67 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर, आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको दो टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका क्लासिफिकेशन रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस योर बिल, प्रपोर्टेड बिल डज नॉट सेटिस्फाइज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सेकेंडली वाई आई से डज नॉट रैशनल नेक्सस, बिकॉज द सेम थिंग यू, सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इन एनी वे रीजनेबली लिंक टू द प्रपोर्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल। थर्ड पॉइंट सर, कंप्लीट कर, थर्ड पॉइंट सर, बिकॉज पनिशमेंट सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा उसको एक साल की सजा और मुसलमान को तीन साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन नहीं है सर, 14 और 15 का वॉयलेशन नहीं है। लास्टली सर, लास्टली सर, सर व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं खत्म कर रहा हूं सर। सर देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं, तीन साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी, आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर, सर 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 आखिर में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है, क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं, क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं, बताइए आप, बताइए आप क्या गलत हो रहा है सर। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है, एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड दिगलू नाका नांदेड़। नानेवर्दी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।